नमस्ते दोस्तों। तो आज हम बनाएंगे बेल की शरबत। चलिए बेल की शरबत बनाने के लिए हमने क्या क्या लिया, चलिए देखते हैं। शरबत देखिए, ये गांव से बेल आया है तो ये बेल को हम फटा रहे हैं। इस ये बेल खाने में बहुत मीठा है, तो चलिए बेल को पहले फटा लेते हैं, उसके बाद हम बनाएंगे शरबत। तो देखिए मैं बेल को फटा रही हूँ, देखिए हमारा बेल फट गया है। तो चलिए इसको दो टुकड़े में कर लेती हूँ। देखिए कितनी सुंदर पका हुआ, ये पेड़ का पका हुआ बेल है और खाने में बहुत मीठा है। तो चलिए इसका शरबत बनाओ। सारे पल्प निकाल लेते हैं चम्मच से। तो चलिए अब सारे पल्प निकालूंगी। और देखिए बिल्कुल जो बाज़ार से खरीद के लाते हैं वो थोड़ी सी सफ़ेद सा रहता है, और ये पेड़ का पका हुआ बेल है ये बिल्कुल पीला है, खाने में इतनी मीठा है। तो चलिए अब सारे पल्प को निकाल लेती हूँ। मैंने सारे पल्प को निकाल लिया हूँ, देखिए और इसका छिलका भी बहुत पतला है, देखिए सारे निकालना। चलिए अब शरबत घोल लेते हैं। अब दोनों को निकाल लूँ, इसका भी निकाल लेती हूँ। देखिए मैं इसको अच्छी तरह से मिलाऊंगी, मैं थोड़े से पानी भी डाल दिया हूँ, तो जो थोड़ी सी बीच है इसमें ज़्यादा बीच भी नहीं है और थोड़े से धागा जो है वो भी निकल जाएगा हाथों से। तो चलिए इसको मैं ठंडा पानी दे रही हूँ, मैं बर्फ़ नहीं मिलाऊंगी क्योंकि अभी इतनी गर्मी नहीं पड़ी है, तो मैं इसे फ्रिज का ठंडा पानी डाल रही हूँ। तो चलिए थोड़ा सा धीरे धीरे मिलाऊंगी और इसको मैं छानूंगी नहीं क्योंकि इसमें इतना बीच भी नहीं है और जो धागा धागा सा होता वो भी नहीं है। तो चलिए इसको अच्छी तरह से मैं हाथों से मिला लेती हूँ। देखिए अब इसमें मैं थोड़ी सी जितना भी इसमें बीज और थोड़ा सा धागा धागा से वो सारा मैं निकाल दिया हूँ। तो चलिए अब इसमें हम थोड़ी सी चीनी मिलाएंगे। ऐसे ही बेल बहुत मीठा है लेकिन तब भी मैं थोड़ी सी चीनी मिला रही हूँ। तो चलिए अच्छी तरह से हम घोल लेते हैं शरबत को अब। तो चलिए अब चीनी को मैं मिला लूँगी। देखिए जितना बीज और धागा धागा सा वो सारा निकाल दिया हूँ। तो चलिए अब शरबत को घोल लेते हैं अच्छी तरह से। चीनी को अच्छी तरह से मिला लिया हूँ। तो देखिए हमारा बेल की शरबत बिल्कुल बनके तैयार। आप चाहे तो इसमें बर्फ भी डाल सकते हैं। तो चलिए अब शरबत पी लेते हैं हम लोग। चलिए अब शरबत को पी लेते हैं। वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करें। नमस्ते, टेक केयर, बाय बाय।